नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ विशाल चौहान। बताते चलो कि जिस तरह से बीती देर शाम, जी हम शनिवार की बात कर रहे हैं, शनिवार की देर शाम को जिस तरह से आयकर गोलंबर के पास, जो कि राजधानी पटना का सबसे व्यस्तम चौराहा में से एक है, आयकर चौराहा के पास यानी इनकम टैक्स चौराहे के पास बीती जो दिन था यानी शनिवार की देर शाम एक महिला कांस्टेबल को फॉर्च्यूनर कार ने 300 मीटर तक घसीटा। क्या कुछ वजह है आपने सुना होगा चर्चाओं में, काफ़ी चर्चा रहा। जो महिला कांस्टेबल थी उनका नाम बबीता था और मैं इस वक्त खुद मौजूद हूँ राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहा के पास और ये उनके सहपाठी पुलिसकर्मी है। क्या कुछ हुआ था और तमाम तरह की जानकारियाँ हम इन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से ये लगातार आपके लिए चैलेंज हो रहा है और जो बीती जो दिन की जो घटना है देर शाम की शनिवार की, एक महिला कांस्टेबल को एक फॉर्च्यूनर कार ने 300 मीटर तक घसीटा, उसके बाद फल दुकानों ने उस फॉर्च्यूनर को पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद वो जो ड्राइवर था वो भागकर फरार हो गया लेकिन एक महिला उस पर बैठी हुई थी वो पकड़ाई। क्या कुछ पूरा वाक्य है थोड़ा सा आप हमें बताइए। ये यहाँ पे लगभग 8:45 के बीच समय हो रहा था जी, और यहीं पर बेली बोरिंग रोड तरफ से फॉर्च्यूनर गाड़ी आ रहा था जिसमें कि एक चालक लड़का था और एक लड़की उसमें बैठी हुई थी। अच्छा। और यहीं पर एक कांस्टेबल आरती दीदी थी और एक बबीता दीदी थी, दोनों को यहीं पर था और यहीं से वो रॉन्ग साइड घूमने लगा। अच्छा, ये रॉन्ग साइड है। अच्छा। यू टर्न यहाँ तो नहीं बल्कि यू टर्न गोलंबर घुमा के लेना है। अच्छा, गोलंबर घुमा के इस तरह से लेना है। हाँ। अगर आपको यू टर्न लेना है फिर से वापस जाने के लिए, अगर आपको कोर्ट के तरफ से जो हाई कोर्ट है उधर से आ रहा है तो उस तरह पूरा गोलंबर घुमाना। हाँ, होगा गोलंबर घुमा के जाना है। वो फॉर्च्यूनर वाले यहीं से घूमने लगे, जैसे ही वो यहाँ से घूमे तो बबीता दी और आरती दी दोनों को गाड़ी को लोग रोके, बोले कि भैया आप गोलंबर घुमा के आ जाइए। उसके बाद वो फॉर्च्यूनर वाले पीछे किए, गाड़ी पीछे किए करने के बाद में इन लोग को लगा कि वो अपना गोलंबर घुमा लेंगे, लेकिन पीछे तो किए ही, फिर उसके बाद आगे इस तरह से गाड़ी को तेज़ी में खींचे कि बबीता दी उनके गाड़ी के चपेट में आ गई और उनका कपड़ा वपड़ा कुछ फंस गया लाइन गार्ड जो है गाड़ी में, और वो घिसटाते हुए यहाँ से लगभग मजार तक गई। आम पब्लिक लोग देखे, हम लोग भी देखे, उसके पीछे पीछे दौड़े तो वहाँ से चालक कूद के भाग चुका था। लड़की पकड़ाई, कोतवाली थाना को खबर किया गया, कोतवाली थाना अपना आए, लड़की को अपना ले गए और उसके बाद लड़की बबीता दीदी को उठा के हम लोग तारा हॉस्पिटल में ले गए। तारा हॉस्पिटल में कुछ उनका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद पारस में ले गए। पारस हॉस्पिटल में अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कैसी स्थिति है उनकी, आपने देखा जाकर? हाँ, वहाँ देखे, पीठ का पूरा जो पिछला भाग है वो मांस पूरा एकदम कट गया है। अच्छा। उसमें लग रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा, वही जो डॉक्टर लोग बता रहे थे। अभी ऊपर वाले का कृपया है, देखिए भगवान क्या करते हैं। इतना चैलेंजिंग रहा, आप लोग दिन भर सड़क पर रहते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं और मुस्तैद रहते हैं, आप हर एक इंसान को सही समय पर घर पहुँचाते हैं और उसके बाद इस तरह का घटना आप लोगों के साथ होता है, क्या कहेंगे, कितना दुखदाई है आप लोगों के लिए? बहुत दुखदाई है। अब इसमें हम लोग क्या करें, मना करने के बाद भी लोग ज़बरदस्ती करते हैं। अगर वो फॉर्च्यूनर वाले मान गए होते, अपना गोलंबर से घूम लिए, यू टर्न लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता है जो कि हम लोगों के साथ मैसा दिन ब दिन होते जा रहा है। मालूम है चालक फरार हो गया था, लेकिन प्रथम दृष्टिया के अनुसार आप अगर वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे तो क्या लगता है वो शराब के नशे में थे वो फॉर्च्यूनर ड्राइवर, या क्या कुछ इस तरह से आखिर इस तरह का जो हरकत हुआ, क्या वजह, नशे में थे, क्या थे वो? जैसे कि फॉर्च्यूनर ड्राइवर को हम लोग ना देखे, जहाँ तक गए वहाँ तक गए मजार के पास तो फॉर्च्यूनर ड्राइवर भाग चुका था, लड़की केवल हाथ आई, लड़की पकड़ाई तो फॉर्च्यूनर ड्राइवर से तो भेंट हुआ नहीं। अब क्या था, ड्रिंक किया हुआ था, नहीं किया हुआ था, ये नहीं बता सकते। तो देखिए किस तरह से, मैं फिर से दोहराऊंगा इनकी बातों को, ये आप जो दृश्य देख रहे हैं इस तरफ से फॉर्च्यूनर कार आ रही थी और यहाँ पे दो महिला कांस्टेबल, ये आयकर चौराहा, यहाँ पे दो महिला कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कर रही थी और ये बता दूँ ये इस तरह से यू टर्न नहीं लेना है, गोलंबर घुमा कर जो है गाड़ी वापस यू टर्न लेना है, लेकिन वो फॉर्च्यूनर कार जो है इसी तरह से यू टर्न ले रही थी, जिसके बाद दो महिला कांस्टेबल आरती कुमारी और बबीता कुमारी दोनों ने उस गाड़ी को रोकना चाहा, जिसके बाद वो रोक
रोक भी लिए, लेकिन उसके बाद जो फॉर्चूनर कार है वो दो कदम पीछे जाती है और उसके बाद यू टर्न ले लेती है। दो महिला कॉन्स्टेबल है जो अपनी ड्यूटी पर वापस आने के लिए आगे की ओर अपना जो उनका जो देख रहे हैं आप उनका जो पोस्ट है वहाँ पर जाने के लिए, इसी दौरान पीछे से आकर वो फॉर्चूनर का टक्कर मारती है और टक्कर के बाद कुछ कपड़ा जो है वो बबीता कुमारी का उस कार के फंस जाता है। उसके बाद इस तरह से यहाँ से घसीटते हुए 300 मीटर इस तरफ फिर जो आके हाईकोर्ट मजार है वहाँ पर ले जाया जा रहा था। अब देख सकते हैं कि क्या क्षण होगा। वो फॉर्चूनर कार में उनकी जो कपड़ा था वो फंस गया था, उसके बाद घसीटते हुए फॉर्चूनर कार इधर से ले गया। उसके बाद कुछ फल दुकान वाले थे जिन्होंने काफ़ी अपनी बहादुरी दिखाई और दौड़ा, जिसके बाद फॉर्चूनर कार को पकड़ने में उन लोग सफलता हासिल की। लेकिन फॉर्चूनर के जो ड्राइवर है वो नहीं पकड़ा है, उसमें जो बगल में बैठी जो महिला थी वो पकड़ाई और जो फॉर्चूनर के जो ड्राइवर थे वो भाग कर निकल गए। तो आपने सुना कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने पूरी बात बताई। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि यही वो फल दुकान वाले हैं जिन्होंने दौड़कर उस महिला सिपाही को बचाया। यहाँ से जो 300 मीटर तक जो फॉर्चूनर कार जो घसीटते हुए ले गई, ये फल दुकान वाले उस समय यहाँ पे अपने दुकान खोले हुए थे और जब इन लोगों ने हल्ला सुना उसके बाद दौड़कर उस महिला पुलिसकर्मी को बचाया। क्या पूरा बात हुआ था आप लोग के सामने, इस तरह की घटना घटी है? दुकान पर बैठे हुए थे, सामने देख रहे हैं कि एक गाड़ी वाला है और महिला सुरक्षा कर्मी है जो ट्रैफिक में थे उनको उधर आ गई उसमें और घसीटते हुए जा रहा। हम लोग हल्ला किया, पीछे पीछे दौड़े भागे, आगे जाके वो गाड़ी रोक दिया, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। कहाँ पे फंसा था उनका कपड़ा, किस तरह से घसीटा जा रहा था? यहाँ पर फंसा था कोना पर, टर्निंग पॉइंट है वहीं पर, और वहीं पर वो उधर गई थी और वहाँ से वो गिर गई और वहाँ से घसीटते हुए गाड़ी वाला रोका नहीं, गाड़ी वाला लेते चला गया वहाँ तक। हम लोग हल्ला करते गए, पीछे से बहुत गाड़ी थे, गाड़ी वाला भी आए, पब्लिक भी था और स्कूटर वाला मोटरसाइकिल वाला सब पीछे पीछे भागे लगे, भीड़ हो गए काफ़ी। आगे जाकर गाड़ी रोक के वो लोग भागे तब वहाँ छूटा, और गाड़ी नहीं रोकता तो आगे तक बढ़ते रहता। फॉर्चूनर ड्राइवर को आप लोगों ने देखा था? नहीं, फॉर्चूनर ड्राइवर का नहीं, हम लोग से आगे गाड़ी था, गाड़ी थोड़ा तेज़ था, हम लोग दौड़ रहे थे और गाड़ी तेज़ थी तो हम लोग पीछे थे, लेकिन सब हल्ला करके सब दुकानदार जा रहा था कि ट्रैफिक वाले के घसीट के ले जा रहे हैं, उनको धक्का मार दिया गया, लेते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिलेरी का काम किया है इन लोग, जिस तरह से महिला पुलिसकर्मी को इन लोगों ने एक साथ पकड़कर दौड़कर पकड़ा और उस फॉर्चूनर, खैर वो चालक तो भागने में सफल हो गया लेकिन उस पर बगल वाली सीट पे एक महिला को स्थानीय लोगों ने, जो फल दुकानदार हैं उन लोगों ने पकड़ा और कोतवाली थाने को हवाले किया। तो देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ की वस्तुस्थिति है, कितने चैलेंजिंग रहता है। लगातार आपको बताते चले कि ट्रैफिक पुलिस ये ऐसी है, पुलिस है जो हर इंसान को समय पे ऑफिस और ऑफिस से घर पहुँचाती है और उसके बाद इस तरह का हरकत हो रहा है। तो ये सोचने वाला बात है कि आखिर इस तरह का हरकत क्यों हो गया है और कितना लोगों का मनोबल बढ़ चुका है कि लोग पुलिस को भी नहीं समझ रहे हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हमारे चैनल को, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, पटना।